हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड कराई थी स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल में, उसमें हमारा चैप्टर थर्ड कंजंक्शंस स्टार्ट था। उसकी पहली वीडियो आपको मिल गई थी। उसमें हमने देखे स्टूडेंट्स की कंजंक्शन में आप लोगों को बताया था कि कंजंक्शंस के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सेकेंड कंपाउंड कंजंक्शन, थर्ड इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनके बारे में हमने डिटेल में आपको वीडियो में सब कुछ बता रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गई थी, तो आज वीडियो अपलोड हो रही है आपकी, क्योंकि हमें आज से ही परमिशन मिली है आपको पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपने अच्छी तरह से देख लिया कि हमने थ्री टाइप्स ऑफ जो है कंजंक्शंस कर लिए हैं। ये थर्ड चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स। अब आता है फोर टाइप्स, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स। ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइन अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो दूसरे जो क्लॉज होते हैं उस पर अपना मीनिंग पूरा करने के लिए डिपेंड रहते हैं। यानी कि यदि इनको हम सिंगल उसमें एक क्लॉज में दें तो इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। इनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। आपको अगर बच्चों कुछ याद हो तो सिंथेसिस हमने जब पढ़ी थी तो सिंथेसिस में भी क्लॉज आए थे, और उसमें भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी कुछ इसी तरह का था कि मीनिंग, मतलब सेंटेंस दो होते हैं लेकिन उनका एक दूसरे पर मीनिंग पूरा करने के लिए वो डिपेंड रहते हैं। यदि उसमें से एक भी सेंटेंस को स्किप कर दिया जाए बच्चों तो वो मीनिंग अपना पूरा नहीं कर पाते। प्रीवियस स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैडम वीडियो हिलती बहुत है। देखिए बच्चों, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि स्टेबल रहे, और होता भी है कभी कभार थोड़ा सा चेंज करने में हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कि ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में इंट्रोड्यूस क्लॉज विच आर यूज्ड लाइक नाउ। अब जैसे कि जो कि जो कंजंक्शन होते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो आपको एज जो कि नाउन की तरह यूज़ होते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट, अब नाउन है। इसने, उसने मुझे बताया था कि वो देर, उसे देरी हो सकती है। अगर हम इसमें से एक भी सेंटेंस को स्किप कर दें तो मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। ही टोल्ड मी और दैट ही वुड बी लेट को हम अगर स्किप कर दें, ही टोल्ड मी, तो क्या कि उसने क्या बताया भाई, कुछ तो बताया होगा। और दैट ही वुड बी लेट कि वो लेट हो जाएगा, तो क्या, तो यानी कि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में इंट्रोड्यूस क्लॉज विच आर यूज लाइक एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज और रीजन, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कनेक्शन एंड कंपैरिजन। ये सब आपने देखा कि ये हमारा सिंथेसिस का पार्ट है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं बच्चों, ये जो हैं आपका, ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एडवर्ब्स को एक्सप्रेस करता है। कि एडवर्ब में क्या एक्सप्रेस करता है, टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज ऑफ रीज़न, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कन, है ना, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सब होती हैं इसमें। द मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, अब जैसे आफ्टर, इफ, डैट, बिकॉज, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, ये सारे जो हैं बच्चों ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के जो हैं जॉइनिंग कंजंक्शन हैं स्टूडेंट्स। ये सारे जॉइनिंग कंजंक्शंस हैं। अब इनके इनके मतलब सेंटेंस में, यानी कि दो सेंटेंस अगर देखा जाए तो इन्हीं से ज्वाइन होंगे। आप अगर सेंटेंस को देखें तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं। अब जैसे टाइम, वेन एवर, वाइल, ही वेंट होम आफ्टर द फंक्शन वाज ओवर, मैनी थिंग हैव हैपेंड सिंस आई सॉ, प्लीज वेट हियर टिल द पोस्टमैन कम्स। अब इसमें देखिए कि टाइम कहाँ दिखा है, कि टाइम का मतलब यानी कि जो समय बताता है ना, और जो कि कोई काम पहले हो गया, कोई काम बाद में हो गया, तो इस तरह से। प्लेस,
वेयर एज वेदर, कीप इट वेयर एवर यू लाइक, कि इसको वहाँ रख दिए जहाँ कहीं भी आपको पसंद हो, ठीक है ना। तो यानी कि प्लेस जहाँ कहीं। मैनर, तरीका, मैनर मीन्स होता है बच्चों तरीका। ही मे एंटर एज ही इज अ फ्रेंड, उसने इस तरह से एंटर किया जैसे कि वो एक मित्र है। दिस इज़ नॉट ट्रू सो फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ यह सच नहीं है, है ना। तरीका, कॉज ऑफ रीज़न, अब कॉज ऑफ रीज़न में देखिए कि रीज़न कारण। एज ही वॉज लेट ही कुडंट सिट फॉर द एग्ज़ाम्स, अब रीज़न क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं क्यों नहीं सका, यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो लेट हो गया था। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्पस, उद्देश्य। ही टुक एन अर्ली बस सो दैट ही कुड रीच इन टाइम फॉर मीटिंग, यानी कि टाइम पर मीटिंग में पहुंचने का उसका उद्देश्य है, तो उसने क्या करा सबसे मतलब पहले ही बस पकड़ ली। वी इट सो दैट वी मिले, कारण ही हेल्प माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, ठीक है ना, उसने अपने हाथ आगे कर दिया नहीं तो मैं गिर जाता। रिजल्ट कारण, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट बियरली स्टैंड, है ना, कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, यानी कि इसमें क्या है कारण बता दिया बच्चों, कारण रीजन। रिजल्ट है ना, रिजल्ट है सॉरी कि इसमें रिजल्ट बताया गया है। द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट द स्टूडेंट कुड नॉट हियर, कि टीचर की वॉइस इतनी लो थी कि स्टूडेंट्स उसको सुन नहीं सके। कंडीशन शर्त, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट, यानी कि आपको ये काम करना ही होगा चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, आई विल नॉट टेस्ट यू इन केस यू ओबे मी, ठीक है ना, टीज यू सॉरी इन केस यू ओबे मी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन शर्त। नेक्स्ट कंसेशन, दो ऑल आई विल गिव हिम अनदर चांस दो ही डजेंट डिजर्व इट, है ना, कि यद्यपि मैंने उसको चांस दिया दूसरा, यद्यपि वो डिजर्व नहीं करता था। ड्यूटी इज ड्यूटी ऑल दो देयर इज नथिंग टू बी डन बाई सिटिंग स्टिल फाइव, कि ड्यूटी ड्यूटी है चाहे आप उसको 5 बजे तक आपको बैठना है करना है, ठीक है ना, ड्यूटी को कम्प्लीटली आपको करना है। कंपैरिजन बच्चों यानी कि तुलना। ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, राम इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, यानी कि जब दो किसी भी चीज़ों के बीच में जब दो किसी चीज़ के बीच में तुलना की जाती है ना। सर्टेन वर्ड्स आर यूज बोथ एज प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन, अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्रपोजिशन कंजंक्शंस की तरह यूज होते हैं बच्चों, ये केवल आप देख लीजिएगा लिस्ट में। देख लीजिएगा फिर है यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन, अब इन्होंने जो है कंजंक्शंस के देखे बच्चों एग्जांपल और यूजेस दिए गए हैं। सेट
इफ का यूज़ किया गया है, जैसे है ना, हम इफ कैसे यूज़ करेंगे, किस किस कंडीशन में हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका वेयर एज until अब इन्होंने सेंटेंस जैसे पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये सारा देखिए दे दिए, सेंटेंस दे दिए स्टूडेंट्स। इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, केवल आप इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल्स है सब। बिकॉज सो दैट इन ऑर्डर टू, बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कॉज और रीज़न, है ना, कारण जाने के लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं। सो दैट अ पर्पज़, सो दैट का यूज़ हम करते हैं पर्पज़ के लिए, उद्देश्य के लिए। सिंस एंड फॉर का यूज़ तो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए स्टूडेंट, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम के लिए। Before, if, until, that, दैट का यूज़, लीस्ट, लीस्ट का देखिए दिस कंजंक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑक्सिलरी शुड, यानी कि जिस सेंटेंस में शुड का यूज़ होता है, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है शुड, उससे उसके साथ हम लीस्ट का यूज़ करते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो के उसमें आता है इसका मतलब मीनिंग कि तेज़ी से दौड़िए, नहीं तो आप अपनी ट्रेन मिस कर देंगे, तो नहीं तो के उसमें आता है। आई डोंट लाइक, आई डोंट टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड बिकम एंग्री, है ना, कि मैं उससे बात कर नहीं करूँगा क्योंकि वो एंग्री हो सकता है। ओनली, नेक्स्ट अब देखिए लास्ट अब का ओनली, only as a conjunction means except, that, but, were it not, that, as, a very pretty woman only she quainted a little, a day is pleasant only rather cold, तो ये देखा स्टूडेंट्स, ये हमने जितने भी थे सारे आपके, यानी कि कंजंक्शंस का मैंने आपको बता दिए कि कंजंक्शंस की कितनी टाइप होती हैं, किस किस के साथ हम कैसा यूज़ करते हैं, है ना। अब ये एक्सरसाइजें देखिए विद सॉल्यूशन एक्सरसाइज स्टूडेंट, फॉर प्रैक्टिस के लिए दे रखी हैं। ये सब देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन है, पहले आप सेंटेंस को देख लीजिएगा, उसके बाद ये विद सॉल्यूशन एक्सरसाइज है आपकी।
अब जैसे इसमें दे रखा है विष्णु विजिट द मुगल गार्डन, शी गोज टू आगरा वंस वेयर एवर और वेयर एवर। तो देखिए वेयर एवर का अलग कहीं होता है, मतलब इसमें वैन एवर यानी कि जब कभी वो आगरा जाता है तो मुगल गार्डन विष्णु जाता है, मतलब विजिट करने जाते हैं। देखिए ये सारी देखिए बच्चों सॉल्व एक्सरसाइज हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम्स में आएंगी। इतने बड़े बड़े सेंटेंस तो नहीं आएंगे, इन शॉर्ट आएंगे, छोटे सेंटेंस आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन देख लीजिएगा आप। फिर देखिए स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को आप करेंगे, देखिए रिजल्ट इसका सॉल्यूशन में मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन यदि आप इसको अपने आप करें तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपको अपनी। फुल एक्सरसाइज है, 10 सेंटेंस है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब इनके रिजल्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स सबके। अब आती है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में है
पॉइंट आउट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेट। देखिए बच्चों, इसमें तो इस तरह से तो आएगी नहीं आपकी में कि प्रैक्टिस में, तो इसमें आप करिए सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, कंजंक्शन है, जो भी कुछ है, तो इस तरह से नहीं। आपको तो केवल कंजंक्शन फिल करने आने स्टूडेंट है ना, तो इसलिए इसको हम इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं। हमें आती है एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल कंजंक्शन। अब देखिए, जैसे हमने सॉल्व कर रखे हैं, ही इज़ द मैन इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अब इसमें कंजंक्शन द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज हमिंग अ ट्यून, शी वॉज कुकिंग फूड एंड शी वॉज हमिंग अ ट्यून, है ना, एंड और एक खाना भी बना रही है और एक गीत भी, मतलब एक ट्यून में गुनगुना भी रही है। शी फेल्ड, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी फेल्ड बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, अब इसमें येट आ गया, येट का मतलब होता है फिर भी, मतलब वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। अब दूसरा सेंटेंस है बच्चों, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, उसमें आपको स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हम इसमें क्या करें। बच्चों इसका मीनिंग समझिए कि ही फेल, ही डिडंट वर्क हार्ड, अब रिजल्ट दे दिया कि वह फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, तो रिजल्ट के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। ही वर्क हार्ड, ही फेल, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया, तो येट आता है इसके लिए। और काफ़ी ये जो सेंटेंस हैं सेकेंड और थर्ड बच्चों, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, आप इनको सेंटेंस को जरूर कर लीजिएगा। ही विल पास द एग्ज़ाम, ही हैज़ वर्क हार्ड, ही विल पास द एग्ज़ाम बिकॉज ही हैज़ वर्क हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी इसलिए एग्ज़ाम पास हो गया। द टीचर्स सॉल्व द सम ओनली देन ही डिड वी अंडरस्टैंड, द टीचर्स सॉल्व द सम ओनली देन डिड वी अंडरस्टैंड, है ना, द टीचर सॉल्व किया तो सो द कंजंक्शन सो, आई लॉक द डोर, आई हर्ड ए नोक एट द डोर, एस आई लॉक द डोर, आई हर्ड ए नोक एट द डोर, एस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, राम वॉज प्रेजेंट देयर, लक्ष्मण वॉज प्रेजेंट देयर, है ना, तो इसको हम क्या कर, लक्ष्मण, राम वॉज प्रेजेंट देयर और लक्ष्मण वॉज प्रेजेंट देयर, ही वॉज अनॉयड, ही कीप क्वाइट, ही वॉज अनॉयड सो ही कीप क्वाइट, गुस्से में था इसलिए वो शांत हो गया। 10 सेंटेंस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। अब उसकी तरह से देखिए बच्चों, ये स्टोरी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पैसेज, है ना, सूटेबल कंजंक्शन, पैसेज नहीं आपके में सेंटेंस आएंगे, तो इसलिए इसको भी हम स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन, मैन पर्पस एंड गॉड डिस्पोज, टू एंड टू मेक फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट, जो हमने एक्सरसाइज करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आई वॉन्डर इफ ही इज लेट, He was honored because of his bravery. The rehearsal will be postponed due to it rain. Wait here till, make a while, take care of, care of के साथ, care के साथ हमेशा off आता है. He is clever and crafty. I ate clover with butter. Call the taxi as when I, है ना, ये सेंटेंस देखिए, एक्सरसाइज देखिए, सॉल्व है, मैंने कर दिया इसको। तो ये आपकी एक्सरसाइज।
अब और सेंटेंस देखिए बच्चों, अब जिसमें बच्चों दो तीन तरह के आते हैं ना, जिसमें कंजंक्शन फिल करने के लिए आती है कि सेंटेंस में, तो वो थोड़ा सा बस देख के छोड़ दीजिएगा कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमें हमारे जो सेंटेंस आते हैं वो एक ही तरह के आते हैं कि जिसमें एक ही कंजंक्शन को आपको फिल करना होता है। अब जैसे ये दे रखा है, बोथ माई ब्रदर एंड आई लाइक ईटिंग नूडल्स, है ना, तो इसमें दोनों दो कंजंक्शन दे दिए, बोथ इस तरह से सेंटेंस में, तो इस तरह के सेंटेंस में है बच्चों। अब ये कंप्लीट द सेंटेंस है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस तो नहीं आएंगे कि आपको इसमें कंप्लीट करना है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। इसमें इस एक्सरसाइज में आप सेंटेंस को कर लीजिएगा और आप फिर खुद करिए अपने आप, कुछ ही सेंटेंस मैंने फिल कर रखे हैं, आप लोग खुद करिए बाकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स कंजंक्शन की एक्सरसाइज, यानी कि जिसमें हमने इस चैप्टर में, हमने चैप्टर नंबर थर्ड में हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा, और 6 मार्क्स के कंजंक्शन बच्चों आते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे कंजंक्शंस के 6 मार्क्स के आते हैं। और इसमें देखिए अपना हम लोग काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इस चीज़ को पढ़ते भी आ रहे हैं, तो इसमें तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो सेंस वाली बात होती है कि कंजंक्शन आपको जो है आते ही, हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ को। तो कंजंक्शंस का मतलब क्या है बच्चों, इसमें तो पूरा डिटेल बता दिया आपको कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करने चाहिए हमें, है ना।
वो सब चीज़ आपको आपको समझ में आ गई है। एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी है, एक्सरसाइज भी आपको बता दी है। इस तरह से जो एक्सरसाइज नहीं आनी है जिस टाइप की, वो मैंने स्किप करा दी है स्टूडेंट्स। तो दो तीन ही एक्सरसाइज आपको बताई है, तो उनको सॉल्व करिए। आज ही हमारा थर्ड चैप्टर जो है कंजंक्शन का वो कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर जो है टेंस का वो स्टार्ट होगा। उसमें भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगी, तो क्योंकि टेंस को तो शायद आते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा क्योंकि प्रोसेस है तो वो हमें करना ही है। अब इसके बाद में बच्चों देखिए हमारे जो है टेंस का हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम आपका कंटिन्यू करेंगे। और तब तक यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो ये जितना भी हमारे थर्ड चैप्टर हो चुके हैं इनको आप नोटबुक पे इनकी इंपॉर्टेंट नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। और जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व आपको दी है करने के लिए, सॉल्व या अनसॉल्व एक्सरसाइज करने के लिए दी है, इनको आप स्टूडेंट अपनी फॉर प्रैक्टिस के लिए आप अपनी नोटबुक पे इनको कर लीजिएगा। साथ ही आपको संध्या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, ओके। तो आज जो हमने वी हैव कम्प्लीटेड आवर थ्री चैप्टर्स हमने कम्प्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। और अब थ्री चैप्टर्स करने के बाद मैं अब आपको दूसरा प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल लिखेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल भी अभी एक लिखा हुआ है हमने, वो प्रैक्टिकल हम लिखवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका हम प्रैक्टिकल या टेंस जो भी होगा आप प्रैक्टिकल भी आपको लिखवाएंगे, ओके। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ भी पूछना हो तो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।